दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं थ्रोटल चेक वॉल के बारे में। ये दोस्तों ये वॉल जो होता है वो यूज किया जाता है जहां पे भी आपको फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है, एक्चुएटर में जो भी इन फ्लो जा रहा है या फिर आउट फ्लो जा रहा है, अगर आपको उसको कंट्रोल करना है सिंगल डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन में, तो आप इस थ्रोटल चेक वॉल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सिंबल जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्रोटल वॉल, जो कि इस सिंबल से दिखाया जाता है। अब ये जो तीर का एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, ये एरो का साइन जहां पर भी होता है इसका मतलब होता है कि आप उस फ्लो को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि फ्लो को वेरी कर सकते हैं। अब दूसरा जो सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वो है नॉन रिटर्न वॉल्व या फिर चेक वॉल्व का। इसीलिए दोस्तों ये सिंबल जिसके ऊपर भी बना रहेगा, जिस वॉल्व के ऊपर बना रहेगा, वो हो जाएगा थ्रोटल चेक वॉल्व। अगर ये सिंगल लाइन में लगा हुआ है तो वो हो जाएगा सिंगल डायरेक्शनल थ्रोटल चेक वॉल्व, और अगर ये दोनों लाइनों में लगा हुआ है, सपोज ए और बी दो लाइन्स होती है जो कि एक्चुएटर पे जाती है, अगर दोनों लाइन पे है तो ये हो जाएगा डबल डायरेक्शन, मतलब कि दोनों डायरेक्शन में ये फ्लो कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की। तो पहला टाइप आपको दिख रहा होगा जो कि मॉडल है MSA01-X। यहां पे दोस्तों इसका नाम जो होता है ये एक्चुअली यूकेन का वॉल्व है। सिंबल वाइज यूकेन हो या नाची, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी अगर कोई भी मेक है उसका सिंबल इसी तरीके का होता है। कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, लेकिन हो सकता है जो नॉमनक्लेचर है, नाम देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जो यूकेन का वाल्व मैंने लिया हुआ है, यूकेन के वाल्व में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ दिख रहा होगा, पी लिखा हुआ दिख रहा होगा और बी लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसके नीचे चार पोर्ट होते हैं, नीचे की तरफ आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे चार पोर्ट आपको दिखेंगे। ए की तरफ जो पोर्ट होगा, ए की तरफ जो इस तरीके के चार पोर्ट होते हैं एक्चुअली यहाँ पे नीचे, तो जो ए की तरफ है, ए की तरफ ए इस साइड है, तो ये ए पोर्ट हो जाएगा, ये बी पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में पी पोर्ट और उधर टी पोर्ट हो जाता है। इस तरीके से चार पोर्ट होते हैं। ए और बी को एप्लीकेशन पोर्ट कहते हैं जो कि एक्चुएटर पे जाते हैं, वहीं पी पोर्ट जो होता है वो प्रेशर लाइन से जुड़ा रहता है और टी पोर्ट टैंक लाइन से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वॉल्व में जो हैंडल है, फ्लो कंट्रोल हैंडल जो है वो ए की तरफ है, आप देख रहे हैं ए की तरफ, ये देखिए ए बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर इस पार्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इस वॉल्व का अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है MSA-01-X। तो MSA में A जो है वो यही दिखा रहा है कि आपका जो फ्लो कंट्रोल है या थ्रोटल वॉल्व जो है ये A लाइन को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल में, तो ये A लाइन में लगा हुआ है, A लाइन में लगा हुआ है, इसीलिए MSA है। अगर ये B लाइन में होता तो ये MSB हो जाता। उसके बाद 01 जो दिखाता है वो साइज को दिखाता है वॉल्व के, 01, 02, 03 अलग अलग साइजेस में वॉल्व आते हैं। उसके बाद जो एक्स है दोस्तों, इसमें दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है मीटर इन, एक को बोलते हैं मीटर इन और एक को बोलते हैं मीटर आउट। मैं दोनों को आपको समझाता हूँ। मीटर आउट को नॉर्मली एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर इन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई सिंबल से। तो यहाँ पे मीटर इन का मतलब क्या होता है और मीटर आउट का मैं आपको बताता हूं। देखिए सपोज इस तरीके के यहाँ पे ये सिंबल, ये दो वॉल मेरे पास हैं जिनमें कि ये जो ये राइट वाला आपको दिख रहा होगा ये मीटर आउट है। ये आउट क्यों है, यहाँ पे आप देखिए, अगर सपोज यहाँ से आपका कोई फ्लूड एक्चुएटर में गया हुआ है, सपोज सिलेंडर में गया हुआ है, और दूसरे पोर्ट से जैसे कि ये सिलेंडर है सपोज, और यहाँ से रिटर्न आ रहा है बी लाइन में, तो आप सोचिए जैसे कि ए लाइन से जब फ्लूड आएगा ऊपर की तरफ से, तो ए लाइन में जब फ्लूड जाएगा तो यहाँ पे वो इस डायरेक्शन से होता हुआ जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, तो इस डायरेक्शन में फ्री फ्लो करके ये इन जाएगा। लेकिन अगर सपोज इस वाली लाइन से ऑयल अंदर आएगा और जो रिटर्न करेगा ए लाइन से, तो वो जाएगा फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मीट्रिक आउट, क्योंकि जो आउट में, जो आउट से जो कि ए पोर्ट का जो भी आउट फ्लो हो रहा है वो हमारा फ्लो कंट्रोल के थ्रू हो रहा है। यही इस तरीके का मेरा एक सिलेंडर है और यहां पे आपको एक पोर्ट मेरा जुड़ा है सपोज ए से और दूसरा पोर्ट जुड़ा है बी से। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं जब ऑयल आएगा ऊपर से, सपोज ऊपर से ऑयल आया
तो ऑयल जब आएगा तो वो कहां से निकलेगा, वो फ्लो कंट्रोल के थ्रू निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये जाने नहीं देगा इसको, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व जो है यहाँ से ऑयल को नहीं जान देगा। तो जब ये एंट्री कर रहा है, देखिए जब ये एंट्री कर रहा है सिलेंडर में, तब ये फ्लो कंट्रोल से होते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब ये इन में कंट्रोल दे रहा है, मतलब कि जो फ्लूइड सिलेंडर के अंदर जा रहा है उसको ये कंट्रोल कर रहा है, उसके फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे मीटर इन। तो ये डिफरेंस होता है मीटर इन और मीटर आउट का। तो आप देखिए आगे इसी तरीके के हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमएसबी, इसका मतलब बी लाइन में आपका थ्रोटल चेक वाल्व है, तो यहाँ पे भी देखिए एमएसबी है, और वाई का मतलब मीटर इन और एक्स का मतलब मीटर आउट। तो सेम जो मैंने चीज बताई वही सिंपल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सिंबल आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे एमएसडब्ल्यू आता है। एमएसडब्ल्यू का ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे दोनों लाइन ए और बी दोनों लाइंस में थ्रोटल चेक वाल्व होगा। इसका मतलब ये डबल रोटेशन आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले में सिंगल सिंगल फ्लो कंट्रोल वाल्व थे, जहां पे या तो वो ए डायरेक्शन की तरफ था या ए पोर्ट में फ्लो कंट्रोल था, या फिर वहां पे बी में आपको था, तो वहां पे सिंगल तो वहां पे क्या था, सिंगल फ्लो कंट्रोल वॉल लगे थे, लेकिन यहाँ पे आपको डबल कंट्रोल, यहाँ पे आपको डबल फ्लो कंट्रोल वॉल मिलेंगे। इसका मतलब आप दोनों डायरेक्शन में फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल होता है उसका W। तो देखिए मैंने आज जो लिया है वॉल, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो उस वॉल का नाम है MSW01। तो देखिए दोस्तों W का मतलब दोनों डायरेक्शन में ये A और B दोनों लाइन में ये फ्लो कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे आपको नीचे चार पोर्ट दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये चार पोर्ट ए बी पी और टी होते हैं। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए मैंने ये खोला है वॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग दिख रहा होगा, एक स्पूल टाइप का दिख रहा होगा बीच में। तो इस तरीके से जैसे ही आप हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल घुमाने से क्या होता है, जो बीच का ये स्पूल है ना वो पीछे आता है। पीछे आने से क्या होगा, जो आपको छेद दिख रहे होंगे, ये देखिए मल्टीपल होल्स आपको दिख रहे होंगे, उस होल से ऑयल निकलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये पीछे आता है। अगर आगे जाने पर सेम उल्टा होता है, फ्लो आपका कम होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये पोर्ट नीचे, ये नीचे वाला पोर्ट जो होता है वो अंदर की साइड खुलता है, और ये ओरिंग वाला जो है बाहर की साइड खुलता है। तो अब ये लगाएंगे अगर, तो जो इस तरीके से फिट हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में सेम तरीके की यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इसका रहता है, तभी ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो कंट्रोल कर पाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक्स वाला वॉल्व है, इसका मतलब जो सिलेंडर से निकलेगा ऑयल, चाहे वो ए पोर्ट की तरफ निकलेगा या बी पोर्ट की तरफ निकलेगा, उसको ये कंट्रोल कर पाता है, उसके फ्लो को कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए इसको मीटर आउट बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों तरफ सेम होता है। ये देखिए इस तरीके से ये घुस जाता है, और एक तरफ को ये पूरा दबा के रखता है, दूसरी तरफ से ये रिलीज हो जाता है, स्प्रिंग को दबाता है। जब स्प्रिंग पीछे दब जाता है तो ईजिली आपका फ्लो हो जाता है, लेकिन एक डायरेक्शन में जब ये आगे की तरफ रहता है, उस समय पे रिस्ट्रिक्शन रहता है फ्लो में, तो तब वो फ्लो को कंट्रोल कर पाता है। दोस्तों थ्रोटल चेक वॉल्व का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे आइदर हमें वन डायरेक्शन में सिलेंडर या कोई भी एक्चुएटर का फ्लो कंट्रोल करना होता है, या दोनों डायरेक्शन में फ्लो कंट्रोल करना होता है, ताकि हमारा एक्चुएटर स्मूथली मूव करे। आपका अगर आपको समझा दूं तो किस तरीके का होता है, देखिए वॉल्व में नॉर्मली ये प्रेशर लाइन जा रही है, ये टैंक लाइन आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डीसी कंट्रोल वॉल्व इसके ऊपर लगा रहता है नॉर्मली, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे ऑयल देगा, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, डीसी वॉल्व के डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में ऑयल फ्लो करता है। तो या तो वो यहाँ कभी इस पोर्ट में जुड़ेगा, सपोज मैंने इसको ए मान लिया, या फिर वो कभी बी में आएगा, मैंने सपोज कभी हो सकता है डायरेक्शन चेंज की वजह से बी में आए। अब होगा क्या, देखिए जब फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, देखिए जब फ्लो यहाँ से डीसी वॉल्व से नीचे की तरफ इस थ्रोटल चेक वॉल्व में आया, तो ये थ्रोटल चेक वॉल्व की कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग, और यहाँ पे आपको ये एक प्लंजर टाइप का दिख रहा होगा। तो क्या होता है, जैसे ही फ्लो ऊपर से आया तो ये पीछे पुश होगा, ये वाला हिस्सा हमारा बैक साइड चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा बैक साइड। बैक जाने से क्या होगा, यहाँ से आपका इजिली, यहाँ से इजिली फ्लो हमारा नीचे को जा सकता है। अब अगर सोचिए दूसरे डायरेक्शन, सपोज नीचे से ऊपर ऑयल आना हो, मतलब कि जो सिलेंडर से, ये तो जाने वाली डायरेक्शन है जो कि हमारा सिलेंडर में जा रहा है इस तरीके से, अगर सपोज सिलेंडर से आने वाला ऑयल है वो कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आएगा, यहाँ से जब ऑयल आएगा
तो वो यहाँ पे आपको छेद दिखेंगे, यहाँ पे इस प्लंजर में होल होते हैं, तो यहां से ये होल के थ्रू गुजरेगा, तो यहाँ पे आपको फ्लो कंट्रोल की रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ऑयल जो है वो फ्री फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्शन से होते हुए गुजरना पड़ेगा इस स्पूल की। तो होगा क्या, यहाँ से धीरे धीरे ऑयल ऊपर को जाएगा, तो आप इस तरीके से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ वॉल खोल के कि किस तरीके से आप किस तरीके से इसमें पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगी, यहाँ पे जो आप फ्लो हैंडल जिससे कि आप इस स्पूल को आगे पीछे कर रहे हैं, इस स्क्रू को घुमा रहे हैं, यहाँ पे इसकी लॉकिंग के लिए एक स्क्रू दिया रहता है। अगर आप इसको अनलॉक जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आप फ्लो को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्लो एडजस्ट करके लॉक करना है तो आप इस स्क्रू को टाइट कर दीजिए, ये अंदर फेस में टाइट हो जाएगा, यहाँ पे इस फेस में टाइट हो जाएगा, उसके बाद आपका हैंडल रोटेट नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मिलते हैं कुछ नई टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।